हे गाइस, वेलकम टू इकोनो हब। गाइस, हमने लास्ट वाले लेक्चर में गिवन क्वेश्चन को डीएनएफ में कैसे चेंज करते हैं वो सीखा था। ओके, एक क्वेश्चन की हेल्प से। इस वाले लेक्चर में हम आपको एक क्वेश्चन कराता हूं जिसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में गिवन क्वेश्चन को चेंज करना है। गेस करिए प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। यस, यू आर राइट गाइस, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स मतलब सीएनएफ। ओके, हमने पढ़ ही लिया है। ओके, अब हमें एक क्वेश्चन है, ये इसको हमें सीएनएफ में कन्वर्ट करना है। आइए, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, ए बी एंड सी। मतलब हमारे को हर एक टर्म में तीनों वेरिएबल इंक्लूड होने चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम यूज ना करें। ओके, अब गाइस देखो, आपको याद होगा मैंने आपको लॉज जब कराए थे, मैंने यूनिट वन में सारे बुलियन अलजेब्रा के, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझाया था। अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इफ एक्स प्लस वाई जेड, अगर ये ऐसे है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस जेड। आपको याद होगा मैंने रूल पढ़ाया था आपको। ओके, अगर नहीं याद है तो आप इसको अभी याद कर लो, ये एक रूल है जो हमारा यूज होने वाला है। ओके, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम इस वाले लॉ को इसमें बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन को सीएनएफ में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली हम सबसे पहले ये वाला रूल लगा देंगे। इधर हम कैसे लगाएंगे इसको, हमारा जो इधर सिंगल टर्म है उसको हम ये कंसिडर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, एंड ए बी प्लस सी, कोई इश्यू नहीं होगा, बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, ये सिंगल टर्म हो गई, ये डबल टर्म हो गई, तो ये आ जाएगा हमारा ए प्लस ए डैश बी प्लस ए डैश। ओके, फिर इसमें भी यही सेम प्रोसीजर लगा देंगे, तो ये आ जाएगा ए प्लस सी एंड बी प्लस सी, कोई इश्यू नहीं, आपको बहुत ईजी है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ये वाला लॉ रिपीट करना है इसमें। अब आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, एनी नंबर में उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दें तो क्या आ जाता है, वन, ठीक है, किसी भी नंबर में उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिया तो आ गया वन, यानी ये टर्म तो हो गई वन, एंड वन मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज द सेम नंबर, तो यहां पे हमारे पे क्या आया, बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ए प्लस सी बी प्लस सी। ओके, अब देखो, अब बहुत लोगों को लगता है कि क्वेश्चन हो गया, यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि प्रोडक्ट ये हमारा हो गया कि हमारा सीएनएफ में हो चुका ऑलरेडी, एंड ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन ना वो ये इसको छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो ये चेक नहीं करते कि हर टर्म में तीनों वेरिएबल इंक्लूड हो रहे हैं नहीं, क्योंकि अगर तीन वेरिएबल है तो हर टर्म में तीनों वेरिएबल होने चाहिए, दो टर्म है तो दोनों, हर टर्म में दो वेरिएबल इंक्लूड होना चाहिए, एक सिंगल नहीं होना चाहिए। अब इधर तीन है तो इधर हमें तीनों वेरिएबल इंक्लूड करना है, बट इधर देखो, इधर ए है बी है लेकिन सी मिसिंग है, इधर ए है सी है बट बी मिसिंग है, एंड इधर ए मिसिंग है बी और सी है। अब आप गेस करो कि हम इसको कैसे करेंगे, एक बार सोच के देखो। मैंने जो लास्ट क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने सम ऑफ मिन टर्म्स किया था, उसमें हमने ये वाला रूल यूज किया था, ठीक है, क्योंकि उसमें हम सारे में एडिशन करते थे। ओके, बट इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर हम रूल ये वाला यूज करके देखते हैं। आपको याद होगा ये वाला रूल कहता है ए कॉम्प्लीमेंट, अगर किसी कॉम्प्लीमेंट में उसी का नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो आता है। ओके, अब अगर हम ये रूल यहाँ पे लगा के देखें तो देखिए, अगर यहाँ पे ए है बी है सी मिसिंग है, ओके, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट सी। देखो अब सी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय सी कॉम्प्लीमेंट क्या आया, जीरो, ठीक है, ये हमने अभी देखा यहाँ पे, ये रहा। ओके, अब अगर जीरो में कुछ भी ऐड करोगे तो सेम नंबर ही आना है, ऑब्वियसली सेम नंबर आना है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। और अब सेकेंड टर्म देखो, जो सेकेंड टर्म है उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बी, बहुत अच्छे से लिख सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। एंड ऐसे मैं थर्ड वाली टर्म को भी लिख दूंगा, ये आ गया बी प्लस सी, इधर ए मिसिंग है तो मैं ए को ऐसे लिख दूंगा। आप बहुत ध्यान से देखिएगा अप्रोच में क्या लगा रहा हूं, एक बार अप्रोच पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके, आई थिंक आपको अप्रोच समझ आ गई होगी, मैंने तीनों टर्म्स में इंडिविजुअली लगा दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस मल्टीप्लिकेशन को रिमूव करना है। ओके, अभी हम कैसे रिमूव करेंगे, अब हम सिंपली इसी वाले रूल से इसको रिमूव करेंगे, तो हमारी जो फर्स्ट टर्म बनी इसको रिमूव करके क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी। सिंपली इसको ब्रेक करके लिख दो, जो दो टर्म मल्टीप्लाई में है, एक बार एक टर्म लिख दो, दूसरी बार एक टर्म लिख दो, फिर ऐसे सेकंड टर्म को भी लिख दो, ये आ गया ए प्लस सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए प्लस सी प्लस बी, देखो कितनी इजीली। एंड ऐसे थर्ड वाली टर्म को भी लिख दो,
बी प्लस सी प्लस ए एंड बी प्लस सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। गाइस कितनी इजीली हमने कर लिया। अब ऑब्जर्व करो, इन सारे टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख दूंगा तो हमारे को क्या बनाना था, सी एन एफ। एंड सी एन एफ बन गया गाइस, बन गया सी एन एफ, जो हमें करना था वो हो गया। ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स हो चुकी हैं। आप चेक कर सकते हैं हर टर्म में तीनों वेरिएबल्स इंक्लूड हो रहे हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, हर टर्म में तीनों वेरिएबल इंक्लूड हैं। ओके, बस अब हमको सबको मल्टीप्लीकेशन में लिख देना है। अब मल्टीप्लीकेशन में लिखना, बस हमें एक चीज का ध्यान रखना, हम कोई टर्म को रिपीट ना करें। ओके, अब ये देखो, एक मैंने पहले फर्स्ट टर्म लिख दी, अब मैं सेकंड टर्म लिख देता हूँ। ओके, अब देखो ये वाली जो टर्म है ये कहीं रिपीट हो रही है, नहीं ये कहीं रिपीट नहीं हुई अभी, तो फिर मैं इसको अभी लिख दूंगा ए प्लस सी प्लस बी डैश। ओके, ये वाली टर्म रिपीट हुई है अभी तक, नहीं हुई, तो मैं इसको भी लिख दूंगा ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब देखो ये वाली टर्म रिपीट हो गई, हाँ ये सेम टर्म, ये रही जो अभी अभी हमने लिखी है ये रिपीट हो चुकी है, और ये वाली टर्म रिपीट हुई, हाँ ये वाली टर्म भी हो चुकी क्योंकि ये वाली टर्म इसके सेम है। ओके, इसका मतलब हमने सारी टर्म्स इंक्लूड कर ली, मतलब हमने जो गिवन क्वेश्चन था उसको मॉडिफाई करके डीएनएफ सॉरी सीएनएफ में लिया है, एंड ये हमारा सीएनएफ बन गया। ये देखिए ये सीएनएफ बन गया। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी करोगे ना तो आपका अल्टीमेटली ये ही आएगा। हमने बस सिंप्लीफाइड क्वेश्चन को एक उसको बड़ा क्वेश्चन बना दिया जो हमें निकालना था, सीएनएफ और डीएनएफ। आई थिंक आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। ओके, ये एक सिंपली क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ज्यादा मुश्किल होते नहीं है। देखो कुछ नहीं करना, बस ये अप्रोच लगा देनी है। ओके, आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कन्वर्जन सिखाऊंगा कि सीएनएफ को डीएनएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डीएनएफ को सीएनएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।